मंदिर पर हलचल तेज हो गई है। दरअसल ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के हक में आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले पर एक बैठक की। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी और उन्हें किसी और जगह मस्जिद मंजूर नहीं है। जिसके बाद बोर्ड की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि विवादित भूमि पर नमाज पढ़ी जाती थी और गुंबद के नीचे जन्म स्थान होने के कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर फैसले समझ के परे हैं और हमने विवादित भूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी, वहीं जमीन हमें चाहिए। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि क्या देश में दो तरह का कानून चलेगा। ये कानून सरकार ने ही तो बनाया, ये कानून हमारे संविधान ने ही बनाया है कि किसी को भी अगर लगता हो कि इंसाफ नहीं हुआ तो इंसाफ के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर सबरीमाला के मामले में कोई जाता है तो कोई उनसे सवाल नहीं पूछता, SC ST के मामले में कोई रिव्यू करता है तो उनसे कोई सवाल नहीं करता। मुसलमान अगर रिव्यू करने की बात कर रहे तो इतनी आपत्ति क्यों है? अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफर याब जिलानी ने कहा था कि वह पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है, जिस तरीके से फैसला सुनाया गया है उससे वह संतुष्ट नहीं थे। इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में तय हुआ कि किस तरीके से मस्जिद की जो ज़मीन है उसको हासिल किया जाए। जो याचिका दायर की गई थी उसमें कहाँ कमी रह गई थी और जो सुनवाई हुई, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें क्या कुछ निकल कर आया, सभी बिंदुओं पे करीब 10 बिंदु हैं, 10 बिंदुओं का एक पत्र तैयार किया गया है और इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और पुनर्विचार याचिका के माध्यम से ये तय किया जाएगा कि आखिर अयोध्या जो मामला है, जो उस पर विवाद चल रहा है, उसका पटाक्षेप कैसे हो। हालांकि इससे पहले मुस्लिम पक्षकारों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस फैसले को वह मान्य करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज बैठक हुई और पुनर्विचार याचिका की बात कही गई है वह कहीं ना कहीं ये दिशा निर्देश तय करती है कि अभी मुस्लिम संगठन अपनी लड़ाई लंबी लड़ेंगे। वीडियो समीर के साथ अवनीश कुमार, लाइव टुडे, लखनऊ।